हाय एवरीवन, मेरा नाम है आशुतोष यादव और आज मैं बताऊंगा ऑक्टाविया के बारे में। ऑक्टाविया का अगर हेडलाइट आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको डबल प्रोजेक्टर्स मिलेंगे प्लस एलईडी डीआरएस मिलेंगे। यहाँ पे नीचे आपको फुली एलईडी फॉग लैंप मिल जाता है। आगे की साइड आप देखेंगे आपको पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं। इस गाड़ी की स्पेशल चीज़ एक और है कि इसमें साइड से भी आपको सेंसर्स मिलते हैं। ये जो आप नीचे का फॉग लैंप देख रहे हैं ये पूरा फुली एलईडी है। ऊपर ये जो आप देख रहे हैं ये डीआरएल्स हैं, दिन के टाइम जलते हैं। जब आप ऑन करेंगे गाड़ी तो इस टाइम इसमें वाइट लाइट आती है। अभी इंडिकेटर्स हैं तो ये फ्लोटिंग में चल रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, साइड से मूव करेंगे तो आप साइड देख रहे हैं, ये यहाँ पे साइड में इसके सेंसर दिया गया है। ये जो आप ऑक्टाविया देख रहे हैं ये फोर्थ जनरेशन है। इससे पहले 3 ऑक्टाविया लॉन्च हो चुकी हैं और ये फोर्थ जनरेशन मॉडल इंडिया में अब आया है। इसमें एक बहुत स्पेशल चीज़ है, इसमें शिफ्ट बाई वायर ट्रांसमिशन मिलता है जो कि बहुत स्पेशल है और गाड़ियों के कंपैरिजन में। पहले हम इंजन की बात करते हैं और आपको बताता हूँ क्या स्पेशल चीज़ मिलती है। इसमें एक इंजन ऑप्शन मिलता है। अब ये डीजल में नहीं आती, पहले डीजल में भी अवेलेबल थी, अब सिर्फ पेट्रोल में आती है। 1999 cc, दैट मीन्स 2000 cc का इंजन है और 190 bhp की पावर और 320 Nm का पीक टॉर्क मिलता है। यहाँ पर आपको प्रॉपर फ्यूज बॉक्स बैटरी मिल जाएगी देखने को। यहाँ पर स्कोडा वाली जो फील आती है इंजन पैकिंग की वो है। और सबसे स्पेशल चीज़ जो आप देखोगे, फ्रंट का जो लुक है बहुत ज़्यादा चंकी दिखता है। साइड प्रोफाइल में मूव करते हैं और साइड प्रोफाइल में आपको मैं इसके व्हील दिखाता हूँ। सबसे पहले व्हील दिखाने से पहले मैं आपको दिखा दूँ कि यहाँ पे एयर कर्टेन है जो कि वर्किंग है। एयर कर्टेन का मतलब है कि एयर डायनेमिक्स इसके ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं जब गाड़ी चलती है। और अब मूव करते हैं व्हील पे। अगर व्हील की बात करें तो व्हील इसमें आपको प्रॉपर 17 इंच का मिलता है। ORBM की बात कर लेते हैं। ORBM में एक स्पेशल फीचर है कि ये हीटेड ORBMs आते हैं। हीटेड ORBMs का मतलब है कि अगर यहाँ पे कभी फॉग आ जाता है और आप अंदर से अगर चाहे तो हटा सकते हैं। इसके चारों डोर्स में आपको रिक्वेस्ट सेंसर्स मिल जाते हैं। दैट मीन्स अगर की आपकी पॉकेट में है तो गाड़ी ऑटोमेटिक अनलॉक हो जाएगी जब आप टच करेंगे। स्पेशल चीज़ इसके बारे के फ्यूल टैंक के बारे में बता दूं कि ये ड्राइवर साइड आता है। स्कोडा की हर गाड़ी में ड्राइवर साइड ही फ्यूल टैंक आता है और यहाँ पे प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दी गई है कि कितना टायर प्रेशर होना चाहिए कितने लोगों के बैठने के बाद। ये स्पेशल चीज़ है, सिर्फ स्कोडा में लिख के आती है कि 4 लोग बैठे तो प्रेशर अलग रहेगा, 5 लोग बैठे तो अलग रहेगा। अंदर मूव करते हैं केबिन में और केबिन में जाके आपको बताता हूँ कि क्या क्या मिलता है। आप यहाँ पे देखेंगे कि डोर पे, जब आप डोर खोलेंगे तो यहाँ पे सीट मिलती है। ये 12-way ड्राइवर एडजस्टेबल सीट है। इसमें ये 1, 2, 3 सेटिंग दिए गए हैं। दैट मीन्स कि आप 3 लोगों की सेटिंग कर सकते हैं और जब भी वो बैठेंगे तो अपने अकॉर्डिंग बटन दबाएं, सीट ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगी। यहाँ पे दिए गए हैं आपको पैडल्स विद क्रोम फिनिश और यहाँ पे ये जो लीवर है इसके थ्रू आप आगे का हुड खोल सकते हैं। स्टीयरिंग की बात करेंगे और स्टीयरिंग की बात करने से पहले मैं आपको एक और स्पेशल चीज़ दिखाना चाहूँगा गाड़ी के बारे में। यहाँ पे आपको चाइल्ड लॉक के फीचर्स दिए गए हैं। ये पहली बारी है जब गाड़ी में कभी ड्राइवर साइड चाइल्ड लॉक का फीचर दिया गया है। 4 विंडोज जो हैं ऑटोमेटिक रोल अप रोल डाउन है और इसका जो मिरर है अंदर से फोल्ड हो जाता है, प्लस हीटेड ORBMs आते हैं। दैट मीन्स अगर फॉग आ गया तो आप फॉग हटा सकते हो अंदर से ही। अच्छी सी जगह मिल जाती है नीचे, आप कम से कम 2 बॉटल्स रख सकते हो 1-1 लीटर की। प्लस यहाँ पे ये जो आप पर्टिकुलर चीज़ देख रहे हो इसके थ्रू, इस हुक के थ्रू आप पीछे का जो हैच है उसे खोल सकते हो। इसमें लाइट भी आपको मिल जाती है और साथ का साथ एक अम्ब्रेला होल्डर भी मिल जाता है। ये स्पेशल चीज़ है स्कोडा की। ये स्कोडा हमेशा से अपनी गाड़ियों में देता रहा है। यहाँ पे आपको जब आप इंटीरियर में मूव करेंगे तो ब्लैक कलर की रूफ़ है और ब्लैक कलर की रूफ के साथ यहाँ पे आपको प्रॉपर सनग्लास होल्डर मिल जाएगा। इसमें नया फीचर आया कि इसमें टच सेंसिटिव लाइट्स आई हैं। इसे अगर आप पीछे करेंगे तो अकॉर्डिंगली आपका लाइट जल जाएगा। और इस वाइजर की स्पेशल चीज़ है, दोनों साइड आपको मिलता है, ड्राइवर साइड और को ड्राइवर साइड, दोनों ही साइड आपको विद लाइट दिया गया है। मिरर भी आपको मिल जाता है, आप देख सकते हो। आप बंद करोगे तो लाइट ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। साथ के साथ जब आप पीछे की साइड थोड़ा सा ही मूव करोगे तो यहाँ पे डोर हैंडल दिए गए हैं, ऑटो फोल्डेबल है। और अगर बात करें और गाड़ी में क्या क्या मिल जाता है तो इसके बी पिलर पर आपको एयरबैग्स मिल जाएंगे। इस गाड़ी में 9 एयरबैग्स आते हैं। सेफ्टी के मामले में गाड़ी ए क्लास बिलोंग करती है। स्टेयरिंग आप देखोगे कि इसमें एक स्पेशल चीज़ है कि स्टेयरिंग जो है 2-स्पोक स्टेयरिंग है, 3-स्पोक नहीं है। यहाँ पे जो नीचे फिनिश आपने देखा ये प्लास्टिक का है और ये निकल भी जाता है। यहाँ पे लाइट के कंट्रोल्स हैं। लाइट के कंट्रोल्स के साथ साथ म्यूजिक सिस्टम में इस पर एक नई चीज़ हुई है कि यहाँ पे आपको टच सेंसिटिव स्क्रीन मिल जाती है और टच सेंसिटिव स्क्रीन के साथ साथ यहाँ पे रूलर मिलता है। आप टच के थ्रू वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हो। यहाँ पे आपको डिफॉगर्स वगैरह मिल जाते हैं, लॉक अनलॉक का सिस्टम। यहाँ पे आपको मिलता है प्रॉपर वायरलेस चार्जिंग प्लस शिफ्ट वाई वायर ट्रांसमिशन मिलता है। पार्किंग, ऑटोमेटिक पार्किंग का ब्रेक है। साथ के साथ यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत स्पेस मिल जाता है, 2 ग्लास होल्डर्स मिल जाते हैं और यहाँ पे जो ग्लोव बॉक्स है हैंडरेस्ट के नीचे ये कूल्ड नहीं है।
नीचे अगर आप ड्राइवर साइड बात करें तो ड्राइवर साइड को ड्राइवर साइड पे जो ग्लोब बॉक्स है वो कूल है, और यहाँ पे जो टिपिकल स्टाइल में पहले जो सीडी प्लेयर आता था वो अब नहीं है, वो हटा दिया गया है। इस ऑक्टाविया की स्पेशल चीज़ है। इवन टी रॉक में आप फॉक्सवैगन की गाड़ी देखोगे उसमें भी आपको अवेलेबल होता है। सॉफ्ट टच मटेरियल्स का यूज़ किया गया पूरे डैशबोर्ड पे, फर्स्ट टाइम है जब प्रॉपर सॉफ्ट टच आया है। आपको ये तीनों लेयर, ये जो चीज़ है ब्लैक फिनिश में आ जाती है बीच वाली, इसके अलावा ऊपर नीचे प्रॉपर आपको सॉफ्ट टच मिल जाता है। वो IRVM जो है आपको ऑटोमेटिक मिलेगा, और लाइट्स जो हैं ऊपर केविन लाइट्स जो हैं ये आपको टच सेंसिटिव मिल जाएंगी। आप टच करेंगे तो ऑन हो जाएंगी, आप टच करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगी। अकॉर्डिंगली है, आपके अकॉर्डिंग आप इसे ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हैं। आइए अब मैं आपको लेके चलता हूँ बाहर और रियर साइड में। रियर साइड में जब हम देखते हैं तो आपको यहाँ पे सेंसर्स मिल जाते हैं रिवर्स में, और रिवर्स में साइड सेंसर्स भी मिलते हैं। यहाँ पे टोइंग हुक के लिए जगह दी गई है, इन केस कभी आपकी गाड़ी ख़राब हो जाती है तो आप यहाँ पे टो करा सकते हैं, या फिर आपको किसी और गाड़ी को खींचना है तो आप वहाँ से टो कर सकते हैं। पीछे का लुक जो है बहुत क्लीन है, स्कोडा अपने प्रॉपर नेटिव स्टाइल में स्कोडा लिख के दे रहा है, और इसका जो टेलगेट है वो लेग स्वाइप करने से खुल जाता है। अभी तो मैंने सेंसर के थ्रू खोला है। टेलगेट की एक खास बात है जो कि सिर्फ स्कोडा ऑक्टाविया में ही आती है, कि इसका जो प्रॉपर पीछे वाला ग्लास है वो भी ऊपर जाता है। ये स्पेशल चीज़ है किसी भी सेडान गाड़ी में। रूफ जो है इसका जो बूट स्पेस है वो पहले के कंपैरिजन में 20 लीटर बढ़ा है, और अब ये बढ़ के हो गया है 600 लीटर्स। यहाँ पे एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा, ये जो आप पर्टिकुलर बटन देख रहे हैं, इस बटन के थ्रू आप पीछे का हैच बंद कर सकते हैं। आपको अगर इस बटन के थ्रू अपना हैच बंद नहीं करना, आप नीचे फिर से लेग स्वाइप कर सकते हैं। और तीसरा तरीका है कि आपके हाथ में जो की है, आपकी पॉकेट्स में जो की पड़ी होती है, उसके थ्रू भी आप इसका हैच बंद कर सकते हैं। ये तीन स्पेशल चीज़ें आती हैं, इसके थ्रू आप हैच ये बंद कर देंगे। बूट में आपको रियर सीट रिक्लाइन करने के लिए प्रॉपर स्विचेस मिलते हैं, आप उन स्विच के थ्रू सीट्स को 60-40 स्प्लिट में रिक्लाइन कर सकते हैं। साथ के साथ यहाँ पे यूटिलिटी को अच्छे से मैनेज करने के लिए अलग अलग कंपार्टमेंट बनाए गए हैं। यहाँ पे अगर आपके पास कुछ ऐसा सामान है जिसका पॉलीबैग वगैरह आपके पास है या बैग है कुछ, आप यहाँ पे प्रॉपर लटका सकते हैं। प्रॉपर हुक्स वगैरह दिए गए हैं, यहाँ पे अच्छा खासा स्पेस है, और इंसुलेशन बहुत अच्छा है। टायर की बात करें तो टायर आपको पता है स्कोडा टिपिकल आपको छोटा ही मिलेगा। इस टायर की जो स्पीड लिमिट होती है वो 80 तक सेट होती है, आप अगर 80 से ऊपर लेके जाएंगे तो ये टायर नहीं चल पाएगा। यहाँ पे प्रॉपर इंसुलेशन किया गया है, और प्रॉपर ना इस ये जो आप प्रॉपर स्टेप देख रहे हैं इसके थ्रू ना ये बंधा हुआ था। 60-40 स्प्लिट करने के लिए आप यहाँ पे भी आपको हुक्स मिलते हैं, आप इनके थ्रू भी सीट्स को ऊपर नीचे कर सकते हैं, 60-40 स्प्लिट में लिटा सकते हैं। स्कोडा की खास बात है कि यहाँ पे आपको तीन हेडरेस्ट मिलते हैं। तीन हेडरेस्ट कितने कामयाब है वो आपको बैठने के बाद पता लगेगा। आप रियर सीट से पीछे का बूट भी एक्सेस कर सकते हैं यहाँ से, या फिर कुछ ऐसी चीज़ है जो थोड़ी सी लंबी है और आपको कहीं एक दूसरी जगह लेके जानी है तो आप इसके थ्रू लेके जा सकते हैं। यहाँ पे प्रॉपर ग्लास होल्डर्स मिल जाते हैं और हैंड रेस्ट आपको मिल जाता है। तीन सीट बेल्ट आपको मिलती है हमेशा की तरह। स्कोडा की खास चीज़ है कि स्कोडा सेफ्टी पे अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखता है, तो इसलिए आपको तीन सीट बेल्ट मिलती है पीछे की साइड। यहाँ पे रियर एसी बेंड्स हैं और टाइप सी पोर्ट्स दिए गए हैं बिल्कुल नए तरीके से, और फ्रंट सीट्स के पीछे आपको फ़ोन रखने की जगह मिल जाएगी। ऊपर की साइड आप देखेंगे तो पीछे की साइड आपको केविन लाइट दिया गया, रीडिंग लैंप बोलते हैं इन्हें। ये टच सेंसिटिव हैं, आप इन्हें टच करेंगे ये ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा, आप इन्हें दोबारा टच करेंगे ये बंद हो जाएगा। ये अभी मैंने आगे स्विच ऑफ किया हुआ था तो इसलिए नहीं हो रहा था। टायर प्रोफाइल की बात करें 17 इंच का मिलता है, 205/55 17 इंच का अलॉय है, डायमंड कट अलॉय व्हील्स मिलते हैं, बिल्कुल स्पेशल डिज़ाइन है, शायद कुछ लोगों को पसंद आया कुछ लोगों को नहीं। अब मैं आपको रियर डोर पे लेके चलता हूँ। रियर डोर पे आपको प्रॉपर यहाँ पे जो चाइल्ड लॉक के लिए मैनुअली स्विचेस आते थे, जो मैनुअली कीज आते थे, वो यहाँ से निकाल दिए गए हैं। मैंने देखिए यहाँ की रबड़ निकाल दी है, यहाँ पे आपको नहीं मिलता, आपको फ्रंट ड्राइवर सीट के डोर के पास मिलेगा। सॉफ्ट टच मटेरियल का यूज़ किया गया है, ऑटोमेटिक अप एंड ऑटोमेटिक डाउन विंडो मिलता है, नीचे की साइड 1 लीटर की बॉटल रखने के लिए स्पेस मिल जाएगा, स्पीकर भी मिल जाएगा। ऊपर की साइड मूव करेंगे तो यहाँ पे आपको साइड कर्टेन्स मिल जाते हैं, इनबिल्ट आते हैं, आपको अलग से एक्स्ट्रा पे करने की ज़रूरत नहीं है कंपनी को, कंपनी ने इनबिल्ट दिया हुआ है। यहाँ पे क्रोम का हैंडल मिलता है, और इसके पास एक ट्विटर की प्लेसमेंट भी की गई है, सो दैट जो साउंड एक्सपीरियंस है वो काफ़ी अच्छा हो जाए केबिन में। यहाँ पे प्रॉपर अच्छी खासी सिटिंग कैपेसिटी है, 4 लोग तो आराम से बैठ ही जाएंगे, और ये जो है ना सिंपली क्लेवर यहाँ पे डिफाइन हो जाता है, यहाँ पे फ़ोन रखने। अब मैं आपको लेके चलता हूँ कॉकपिट पे। ये जो कॉकपिट है ये वर्चुअल कॉकपिट है, और यहाँ पे आप इस स्विच के थ्रू रूलर के थ्रू आप सारी चीज़ एडजस्ट कर सकते हो कि आपको ऑन डिस्प्ले चाहिए क्या होगा, आपको फ्यूल इकोनॉमी चाहिए, आपको
कितना रेंज बता हुआ है वो चाहिए या स्पीड चाहिए, सारी चीज़ आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। ये बेसिक चीज़ें हैं जो पहले स्कोडा में आती थी, अब भी वही सेम है, बस का स्टेयरिंग चेंज हुआ है पहले के कंपैरिजन में, और कुछ भी चेंज नहीं है। ये वाला जो स्विच है आप यहाँ से सारी चीज़ें चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आपको लाइट के कंट्रोल्स मिल जाते हैं फ्रंट। इसके अलावा आप यहाँ पे एक बहुत स्पेशल चीज़ है, हिडन बॉक्स बोल सकते हैं, यहाँ पे आप सिक्के वगैरह रख सकते हैं, टिकट्स वगैरह रख सकते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बोल दूं कि अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसा कंटेंट मैं हर दिन डालता हूँ, मैं हर दिन लगभग 2 वीडियो अपलोड करता ही करता हूँ, तो अगर आपको हमारे वीडियोज़ पसंद आते हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, सो दैट मैं आपके लिए कॉन्टेंट लेके आ सकूँ प्रॉपर और अच्छे से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।